गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, 80 वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव, 12th का विषय जीव विज्ञान। देखिए ध्यान से, पिछले टॉपिकों में हमने आपको श्वसन की क्रियाविधि के बारे में वर्णन करा दिया था। अब चलता है श्वसन संबंधी आयतन या फुफ्फुसीय आयतन। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फेफड़े कितने क्रियाशील है, ध्यान देना, हमारे फेफड़े कितने क्रियाशील हैं, हम कितने एक्टिव हैं। तो उसमें आयतन संबंधी चार प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है आपके ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन, इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। ध्यान देना, ये क्या होता है, सामान्य संवातन अर्थात सामान्य श्वसन में फेफड़ों द्वारा अंदर ली गई और बाहर ली गई वायु को क्या कहते हैं, ज्वारीय आयतन। वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। इसका मान 500 ml के बराबर होता है। ध्यान देना, तो हम एक बार में कितनी वायु लेते हैं, 500 ml एक सामान्य श्वसन में। तो देखिएगा परिभाषा, देखो इसकी, सामान्य संवातन से बोलते हैं श्वसन में फेफड़ों द्वारा ली गई और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं, ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान देना बेटा, क्या है कि सामान्य संवातन मतलब श्वसन में लेना और बाहर, मतलब श्वसन क्रिया सामान्य श्वसन में फेफड़ों द्वारा, कि हमारे फेफड़े कितनी वायु को ले रहे हैं और कितनी वायु को निकाल रहे हैं, उसकी जो मात्रा होती है क्या कहलाती है, ज्वारीय आयतन कहलाती है। अब देखिएगा, ज्वारीय आयतन का मान, ज्वारीय आयतन का मान 500 ml होता है, मिलीलीटर होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कई बार कि ज्वारीय आयतन का मान बताइए, एक नंबर में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ज्वारीय आयतन का मान कितना है, 500 ml, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये पूछा जाता है कि ज्वारीय आयतन को परिभाषित कीजिए, इसका मान बताइए, ध्यान देना। अब देखिएगा आप इसको कैसे निकालते हैं, इतना होता है फिक्स है ये, ध्यान रखना, निकालने की बात नहीं, फिक्स है ये। अब प्रश्न आता है कि फेफड़ों की क्षमता, ध्यान देना, फेफड़ों की क्षमता होती है उसको कौन से मापक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, बताइए, आप प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देना। जैसे एक होती है हार्ट बीट, किसके द्वारा मापा जाता है उसको, रक्त का मापन किसके द्वारा किया जाता है, स्टेथोस्कोप होता है हार्ट बीट को, हृदय स्पंदन को मापने वाला। उसी प्रकार श्वसन फुफ्फुसीय जो आयतन होता है, ध्यान देना, इसमें कि फेफड़ों की क्षमता, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं ड्रिंक करके वाहन चलाते हैं, तो उनको आजकल एक यंत्र के द्वारा माप लेते, अपने आप ही, अपने आप अगर दूर से ही पता लग जाता है कितने कितने ड्रिंक कर रखी है, एल्कोहल में, रक्त में कितनी एल्कोहल मिली हुई है। उसी प्रकार फेफड़ों की भौतिक, ध्यान देना, क्षमता को स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखना, स्पायरोमीटर होता है, स्पायरोमीटर, इसके द्वारा फेफड़ों की भौतिक क्षमता का आकलन किया जाता है कि फेफड़े कितने सक्रिय हैं आपके और कितने निष्क्रिय हैं, तो स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न आ जाता है एक नंबर में, क्या आता है कि मानव में फेफड़ों की भौतिक क्षमता को मापने वाला यंत्र या भौतिक क्षमता के मापन यंत्र का नाम बताइए, स्पायरोमीटर, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, हम चल रहे थे किसमें, ज्वारीय आयतन के दौरान, तो सामान्य संवातन फेफड़ों द्वारा या सामान्य संवातन या श्वसन में फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली गई वायु
अंदर ली गई और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को क्या बोलते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 500 ml होता है। तो देखिएगा ध्यान से, अब ये परिभाषा हो गई इसकी, मान भी हो गया। अब देखिएगा वास्तव में क्या है, ये बिल्कुल शॉर्ट में याद किया जाए तो क्या चीज़ है। अब देखिएगा ज्वारीय आयतन बराबर क्या होता है, निःश्वसन ली गई मात्रा, निःश्वसन प्लस उच्च श्वसन बाह्य श्वसन, इसके बराबर होता है, ये दोनों के बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा फिर वापस इन दोनों को क्या बोलते हैं, समवातन, ये तो कहेंगे दोनों का, तो किसके बराबर हो गया, ये ज्वारीय आयतन। तो बात क्या हुई, सीधी सी बात है, समवातन बराबर ज्वारीय आयतन। तो हम एक बार में जैसे कितनी मात्रा ले रहे हैं वायु की, 500 ml, ये ध्यान रखना। उसमें देखिएगा आप इसका मान देख लो, आप ज्वारीय आयतन का मान 500 ml, ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो गणना होंगी इसी के अनुसार होंगी। 500 ml क्या लेते हैं और एक मिनट में कितने लेंगे हम, इसलिए ध्यान रखना। अब प्रश्न फिर बनते हैं, प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, ध्यान रखना। थ्योरी के अंदर थ्योरी पढ़ा नहीं, हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन प्रश्न बना के चलो, सब्जेक्ट पकड़ में आ जाएगा आपके। तो देखिएगा अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक मिनट में सामान्य व्यक्ति, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति कितनी वायु की मात्रा ले सकता है एक मिनट के अंदर, बताओ कितने लेगा एक मिनट में। भाई 12 × 500 करो, 12 × 5 = 60, 6000, 6000 से 8000 के बीच में, इतना कर लो आप, ये ध्यान रखने की बात है, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 12 × 5 = 60। एक मिनट में ध्यान देना, व्यक्ति कितनी वायु या कितनी मिलीलीटर वायु ग्रहण कर सकता है, 6000 से 8000, ध्यान रखने की बात। आगे देखो, ये हो गया पूरा क्लियर। अब आता है इसमें दूसरा आ जाएगा आपके, तो इसमें लिख लो इसको भी, इसमें देखो एक स्वस्थ, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में, इसमें देखो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में कितनी, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में 6000 से 8000 प्रति मिनट, बात वही है वो तो, प्रति मिनट ml करो इसको, ml प्रति मिनट वायु ले सकता है, प्रति मिनट वायु ले सकता है या लेता है, ये है मतलब एक मिनट में इतनी। ये आंकड़े आपके बहुत फिक्स है, ध्यान रखना ये। तो आगे देखिएगा, अब आता है इसमें दूसरा, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है ये, लेकिन और भी कई हैं जो बहुत गलत दे रखे हैं, आपको एलन सीट में मिल जाएंगे और बढ़िया, जो भी है। अब आता है दूसरा, देखिएगा निःश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या कहता है ध्यान देना। इसके दौरान क्या होता है कि तेज श्वसन, जब हम तेज श्वसन लेते हैं, तेज श्वसन द्वारा ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त निःश्वसित वायु की अतिरिक्त मात्रा क्या कहलाती है, अतिरिक्त मात्रा जो आरक्षित रह जाती है, निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाती है। जैसे हम कभी जोर से लिया, अब इसमें कितनी रह गई रिजर्व के रूप में, वो क्या कहलाएगी, IRV अर्थात इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंत श्वसन के द्वारा जो मात्रा हमने ली वायु की वो कितनी आरक्षित रह गई फेफड़ों में, उसके बारे में बताया गया इसमें। तो इसमें देखिएगा तेज श्वसन, या आप देखिएगा तेज श्वसन, तेज श्वसन के दौरान, इसमें देखिएगा तेज श्वसन के द्वारा, सॉरी
ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त मतलब ज्वारी आयतन के अतिरिक्त नी श्वसन समझ आ जाएगा, नी श्वसनित वायु की मात्रा, वायु की अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त मात्रा को निश्वसन आरक्षित आयतन आयतन कहते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ज्वारीय आयतन के अलावा, जो ज्वारीय आयतन वो तो हो गया, जरूर नहीं कि हमने 500 लिया, हो सकता है ज़्यादा ले लियो, तेज कर रहे हैं श्वसन, जैसे हम तेज किया ज़्यादा गई तो 500 तो निकलेगी निश्चित रूप से, मतलब लेना और चुमें मतलब टोटल ली गई और वहाँ से भी आएगी ना, दोनों क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगी वो फिर बाहर आ जाएंगी। तो एक 5 सेकंड में ली गई और बाहर छोड़ गई बराबर कितनी होती है 500 ml के लगभग, इतना इतना स्वस्थ मनुष्य में होता है। लेकिन इसके अलावा यदि जैसे कभी हम दौड़ लगा रहे हैं तो कुछ आरक्षित रहते, 500 तो निकलेगी निश्चित है, ये तो इतना तो निकलेगी ही वो ml वायु की मात्रा, लेकिन इसके अलावा जो शेष रह जाती है वो क्या कहलाती है, निश्वसन मतलब अंत श्वसन आरक्षित आयतन के रूप में उसमें रह जाती है फेफड़ों के अंदर, इसलिए क्या कहलाती है। तो ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त अर्थात तेज श्वसन द्वारा ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त निश्वसनित वायु की अतिरिक्त मात्रा जो बचती है, मात्रा क्या कहलाती है, निश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं, मात्रा को निश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। इसका मान देखिएगा कितना होता है, 2500 से 3000 ml, इसका मान 2500 से 3000 ml होता है। अब देख लीजिए आप 2500 से 3000 ml, अब ये कैसे होगा निकालेंगे, इसको ध्यान देना, इसमें देखिएगा लगभग लगभग इतना होता है। तो ये आरक्षित आयतन के रूप में रह जाती है, कब कैसे जोड़ा इसको, मान लीजिए हमने 600 ml लिया या 650 लिया हमने, 500 तो निकली, कितनी बच गई, 150, ध्यान देना। अब फिर दूसरे बार लिया हमने, हो सकता है इससे कम लियो ज़्यादा लियो, तो दोनों जुड़ करके इतनी लगभग आ जाएंगी 3000 के लगभग, इतनी आरक्षित रह जाती है पूरी पूरी एक मिनट के अंदर। एक मिनट में हम 12 बार श्वसन करते हैं, मान लीजिएगा 12 बार, और यदि आप देख लीजिए अब 6000 कितने, 6000 में से माइनस करते जाइए आप, जैसे मान लीजिए एक मिनट में 500 ली तो 12 × 5 = 60, लेकिन पूरी नहीं निकालेंगे, कुछ आरक्षित रह जाती है मात्रा श्वसन में, तो वो मात्रा ये कहलाती है। अब देखो ये तो हो गई किसकी, इसी प्रकार दूसरा आता है, तीसरा जो बनाया गया है वो है निश, क्या बोलते हैं, उच्च अर्थात बाह्य उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, आरक्षित आयतन इसे बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे बोलते हैं हम ERV, ये शॉर्ट में कंपटीशन में आते हैं ऐसे ही, पूरा नहीं आता है, IRV, ERV इतने आते हैं, कितनी मात्रा होती है पूछ लेता है, निम्न में से IRV की मात्रा है, मात्रा ही पूछते हैं डायरेक्ट, बस ऐसे ही ये ध्यान रखना। आगे देखो अब तेज किसके द्वारा, हम बाहर निकाल के वही मात्रा को इसमें दे रखा है आपके, कि तेज उच्च श्वसन द्वारा ज्वारी आयतन के अतिरिक्त, ज्वारी आयतन के अतिरिक्त उच्च श्वसित वायु की अतिरिक्त मात्रा, जस्ट आपन को क्या करना है, यहाँ पर चेंज कर देना है, क्या इसको उच्च कर देना है परिभाषा में, और इसको कर देना है उच्च श्वसन, ये क्या हो जाएगा दोबारा देख लेंगे, कोई नहीं है इसको, नी की जगह उच्च कर देंगे, बाकी पूरा वही रह जाएगा। अब मात्रा मंत्र आ गया इसमें,
तीसरा जो टाइप था इसका आयतन संबंधी वो था उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, एक्सपायरेटरी देख लें ई आर वी, तेज श्वसन, तेज उच्च श्वसन, के द्वारा तेज उच्च श्वसन के द्वारा ज्वारी आयतन के अतिरिक्त आयतन के अतिरिक्त अतिरिक्त इसमें आ जाएगा उच्च श्वसित, उच्च श्वसित वायु की मात्रा, वायु की मात्रा को उच्च श्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं, ई आर वी आयतन कहते हैं। बाहर जो मात्रा हम निकाल रहे हैं वो पूरी नहीं नहीं आ रही है, कुछ अतिरिक्त रिजर्व ग्रुप में रह जाती है। मत यदि पूरी निकाल देंगे तो फेफड़े पचक जाएंगे भाई, ध्यान करने बात, इसलिए आरक्षित रह जाती है, ध्यान देना। और भी कई चीज़ देख लीजिए आप, जैसे आपने ये भी देखा होगा श्वास नली जो होती है, श्वास नली पिचकती क्यों नहीं, क्या कारण है? जबकि देखो आप पाइप लगाते हैं किसका, पानी के लिए, तो तेज उच्च श्वसन के द्वारा ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त उच्च श्वसित वायु की मात्रा को उच्च श्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। इसका मान लगभग कितना होता है, 1000 से 1100 ml होता है। इसमें हमको ये टिक करना है, उसमें तीन बड़ा लेना, 3000 बड़ा, ध्यान रखना, मतलब इसको लगभग आगे मापेंगे तो जाकर के 6-8 के बीच में आएगा। तो ये इतनी हो जाती है, मतलब इतनी आरक्षित रह जाती है। जैसे 3 सेकंड का समय लगता है बाहर निकालने में, तो पूरी नहीं आती है, इतनी रह जाती है। किस में से, टोटल 6000 में से, ध्यान रखना, इनमें से रहेगी ये बात ध्यान रखना। 500 किस में से, उसमें जो थी 3000, 2500 से वो इसमें से रहेगी, तो लगभग कितनी हो जाएगी वही बराबर देखेंगे हम। अब आता है लास्ट में, इसमें आएगा आपको चौथा है अपशिष्ट आयतन, कि इसमें आ जाएगा आपको रेजिडुअल, भाई कितना अवशिष्ट के रूप में रह गया पूरा पूरा, तो चौथा आयतन आ जाएगा इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना, ये कितने 3011 काम आएगी आगे, अभी और कंपटीशन में आपके जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से नहीं आते, इन्हीं से आते हैं, नीट वगैरह में ध्यान रखना। ये तो आपके 12th लेवल तक आ जाएगा, ये लास्ट ईयर पूछ लिया बड़ा प्रश्न, इसमें से क्रियाविधि के बारे में पूरा चित्र पूछ लिया, और हम आपको बताएंगे जो पेपर आया था उसमें थोड़ा सा वर्णन करना था, डायग्राम ढंग से बनाने, डायग्राम बना दिया आपने, टूटा फूटा वर्णन कर दिया, पूरे नंबर आएंगे ध्यान रखना बायो में, क्योंकि डायग्राम के अनुसार यदि आप वर्णन कर दोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे, चाहे आप वर्णन कैसे भी कर दीजिएगा, ध्यान रखने बाद चित्र आना चाहिए आपसे, चित्र के द्वारा समझा दो उसको, वो वर्णन देखता ही नहीं है, वही टिक कर देगा एग्जामिनर। अब देख वर्णन चित्र यदि आपसे आता है तो वर्णन निश्चित आप कर दो, क्या आगे देखिए ध्यान से। अब आता है फोर्थ, इसमें देखिएगा आप अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम आर वी देखिएगा ध्यान से, ये क्या होता है, इसमें देखो अधिक तीव्र उच्च श्वसन के पश्चात, अधिक तीव्र उच्च श्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष रही वायु की मात्रा, ध्यान देना इसमें आ जाएगा आप अधिक तीव्र, अधिक तेजी से, कब, या हम दौड़ लगा रहे हों या भाग रहे हों, व्यायाम कर रहे हैं, तो अधिक तेजी से, अधिक तीव्र
उच्च श्वसन, उच्च श्वसन पर दूर, उच्च श्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष रही वायु की मात्रा को अवशिष्ट आयतन कहते हैं। अवशिष्ट आयतन कहते हैं, मतलब ये और तीव्रता से अधिक तीव्र उच्च श्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष रही वायु की मात्रा क्या कहलाती है? अवशिष्ट आयतन कहलाती है। मतलब बिल्कुल रेजिड, ये तो बिल्कुल निश्चित हो गए, मतलब ध्यान देना। इसमें देखो आगे आप, अवशिष्ट आयतन को बाहर नहीं निकाला जा सकता, फिक्स हो गया ये। तो देखो अवशिष्ट आयतन को, अवशिष्ट आयतन को बाहर नहीं निकाला जा सकता, अवशिष्ट आयतन को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो देखिएगा इसका मान, इसका मान ML होता है। किताब में दे रखा आपके 1200 से 1500 ML या फिर 1200 ML फिक्स है, ये इतना होता है। तो देख ये निश्चित तो इतना तो रहेगा ही, अन्यथा फेफड़े पचकते ना, फिर भी फेफड़े पचकते क्यों नहीं बताओ? हमने आपको बताया था कि फेफड़ों के अंदर क्या पाया जाता है, आवरण, फुफ्फुस आवरण, क्या बोलते हैं इसको? पूछा गया कई बार कि फुफ्फुसीय आवरण, फेफड़ों के अंदर पाए जाने वाले फुफ्फुसीय आवरण को क्या कहते हैं? एक नाम में प्लूरा, प्लूरा ध्यान रखना। और फेफड़े दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, तो इन दोनों झिल्लियों के मध्य में एक द्रव पाया जाता है, फुफ्फुसीय द्रव, इसे बोलते हैं प्लूरल द्रव ध्यान रखना। और प्लूरल कैविटी, जो फेफड़ों की गुहा होती है उसमें वायु नहीं पाई जाती है, ध्यान रखने बात, वायु नहीं पाई जाती, वायु पाई जाती है, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, वायु नहीं पाई जाती है, इसलिए फेफड़े पचकते नहीं। यदि किसी कारणवश फेफड़ों में वायु प्रवेश कर गई तो वो फेफड़े खराब फिर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कृत्रिम श्वसन क्यों कहा, क्यों लिया जाता है, देखा होगा आपने, श्वास देते हैं कृत्रिम, किसी कारणवश फेफड़ों में वायु चली जाती है और फिक्स हो जाती है, तो सांस लेना बंद हो जाता है, बिल्कुल फिक्स हो गई तो कम होती है उन्हें को, तो ये फिक्स होती है इतनी 1200 ML। तो ये चार स्थिति होती हैं फेफड़ों के आयतन की या फुफ्फुसीय आयतन की। तो इसलिए फुफ्फुसीय आयतन, फुफ्फुसों का जो आकार है वो निश्चित रहता है इनके कारण। यदि इनमें से कुछ एक भी प्रॉब्लम हो गई तो फेफड़े संबंधी डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, तो ध्यान रखना ये बातें। इसके बाद में आपको आता है श्वसन संबंधी क्षमताएं या फुफ्फुसीय क्षमताएं। इसके बाद में यह आ जाएगा, जैसे नी श्वसन क्षमता, हमारे श्वास को अंदर लेने की क्षमता कितनी है। आपसे कहा जाता है जब कभी आप आर्मी वगैरह में जाते हैं तो भाई फेफड़े कितने, अकॉर्डिंग टू मोदी 56 इंच का सीना, कितनी जोर से हम उसको फैला सकते हैं सीने को, ध्यान रखना। तो ये डिपेंड करता है हमारी फुफ्फुसीय क्षमता पर, तो ध्यान रखना। इसके आगे का आता है आपको श्वसन संबंधी क्षमताएं, अगला टॉपिक आपके श्वसन संबंधी क्षमताएं या फुफ्फुसीय क्षमताएं, फुफ्फुसीय क्षमताएं कितनी क्षमता है, यहाँ काम आएंगे आपको आयतन। अब तो देखिएगा ध्यान से, इसमें पहला जाता है आपको, पहला है नी श्वसन, नी श्वसन क्षमता, इसे बोलते हैं
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्षमता को कैपेसिटी कि हमारे फेफड़ों में कितनी ताकत है कि हम कितनी वायु ग्रहण कर सकते हैं करके देखो कितनी देर तक रोक सकते हो आप। इस समय कोरोना काल चल रहा है, कई बार आता है कि आप 40 सेकंड तक सांस को रोकिए तो आप में कोरोना नहीं है। अर्थात आपने आपके फेफड़े की क्षमता कितनी है कि उस वायु को रोक सके। तो कहने का मतलब क्या है इसमें, समझते हैं आपको कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है एक बार, जैसे कितनी सांस ले सकते हैं आप और कितनी देर तक रोक सकते हैं। तो आपका ध्यान रखना चयन जो भी है जरूरी नहीं है कि आप ऐसे डॉक्टर बने, फौज के डॉक्टर भी होते हैं भाई, नहीं होते क्या, खूब होते हैं। तो वायु की वह मात्रा जो एक बार निश्वसन के दौरान ली जाती है क्या कहलाती है, निश्वसन क्षमता। तो इसमें देखिए आप वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्वसन या एक बार वही है एक निश्वसन में ली जाती है, श्वसन में ग्रहण की जाती है, ली जाती है, ग्रहण की जाती है तो उसे निश्वसन क्षमता कहते हैं। मतलब एक बार में हम कितनी वायु ग्रहण कर सकते हैं एक बार में क्या कहलाती है क्षमता, फेफड़े जो आपके जो फेफड़े होते हैं उसकी ताकत का पता लग जाता है कितनी ताकत है। यदि किसी ने ज़्यादा जोर से लिया तो फेफड़े फट सकते हैं, ध्यान देना। दौड़ के आपने सुना होगा कभी कि जो पुलिस की दौड़ होती है फौज की दौड़ होती है उसमें जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं वो वहीं भगवान को प्यारे हो जाते हैं दौड़ते दौड़ दौड़ते ही। इसलिए दौड़ लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग में जाने से पहले वो लेते हैं। तो फेफड़ों की क्षमता कैसे ग्रहण की सकती है बनाने के लिए कपालभाति अकॉर्डिंग टू बाबा रामदेव, धारकड़ी से फर्क पड़ता है बहुत, तो आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है वायु की वह अधिकतम मात्रा कि जितनी हमने मात्रा ली जो एक निश्वसन या अंतःश्वसन के द्वारा ग्रहण की जाती है तो उसे निश्वसन क्षमता कहते हैं। इसमें देखो आगे, इसमें ज्वारीय आयतन और समझ जाएगा, इसमें दो नाते इसमें समृद्ध किए जाते हैं। आगे देखो, इसमें ज्वारीय आयतन इसमें ज्वारीय आयतन और निश्वसन आरक्षित आयतन निश्वसन आरक्षित आयतन शामिल किए जाते हैं किए जाते हैं।